लोग ड्यूटी के लिए निकले, तो ड्यूटी के लिए निकले तो हम साइट पे गए, तो वहाँ पे साइट पे वो लोग बोला कि आज काम होगा और कल जो है संडे से बंद रहेगा लॉकडाउन के लिए, वो लोग बोला बंद रहेगा एक दिन के लिए। फिर हम लोग नाइट में जो है कि काम करके शनिवार को आधा टाइम से ही चले आए, क्योंकि 12 बजे यानी कि बस जो चालू होने वाला था, तो हम 12 बजे से पहले ही बोर्ड गेट लगा दिए वहाँ पे पूरा जो है चारों तरफ से बंद करने का, तो यानी पूरा कवर कर दिए, पूरा सेफ्टी वाले आए लोग, पूरा वो जो है कि बंद करा दिए ताकि अंदर में कोई ना जाए आए और कुछ ऐसा हो ना। आके सो गए उसके बाद, उसके बाद से सुबह फिर जो है ड्यूटी के लिए प्रोग्राम बना, साइड पे गया आदमी मगर नहीं काम किया, लोग घूम घूम के चले आए। तेईस तारीख को लॉकडाउन बंद होने का था, तो उस दिन मैं साहब से बोला कि रोड में पुलिस मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो लोग बोला कि जाओ लेकर जाओ, लोड करके मैं गाड़ी अभी लोटे गाड़ी खड़ा है। मैं लेकर किसी तरह आया, उधर से आया, सवेरे बंद हो गया। तो उस समय एक बार खुराकी पैसा था हम लोग के पास, राशन पता ही अपना खरीद के खा रहे थे, किसी वो भाई से, किसी वो भाई मेरे से, किसी वो भाई अपने में मिल कर काम चला रहे थे। कोई आ देखने वाला नहीं था, पेमेंट भी वो अगला महीना में 7,000 डाला, 20,000 पेमेंट है उसमें 7,000 मिला, इसके बाद ये महीना का कुछ भी नहीं मिला। अगर मान लीजिए कि थोड़े से एक इधर से हम लोग को कंपनी से लोग निकाल देते हैं, हम लोग कंपनी से बाहर चले जाएं, कंपनी पे रोड पे जा रहे हैं तो पुलिस मार रही है, कंपनी में आ रहे हैं तो कंपनी वाले भगा रहे हैं, हम लोग 2600-2700 किलोमीटर से दूर से आए हैं, किधर जाएंगे? 15 दिन से मालिक एक बार आके नहीं इधर पूछा भी तुम्हारा क्या हाल है क्या नहीं, मालिक एक बार नहीं आया। तो सब तो किसानी झेलता है ना, सब तो वर्कर झेलता है, बाकी लोग तो अपने घर में बैठे रहते हैं। हमारे बिहार यूपी में फैक्ट्री नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, फैक्ट्री खरीद के अपना खेती भी इतना नहीं है, जमीन भी इतना, आबादी भी ज़्यादा है, जमीन इतना नहीं है, तो क्या करें, उधर इतना प्रवेश नहीं होता है, इसके लिए दूसरा बिहार से हम कर्नाटक आते हैं, कोई पंजाब जाते हैं, अलग अलग राज्य में जाते हैं हम लोग कमाने के लिए, अपना यहाँ भरपूर नहीं होता है। कोई फैक्ट्री भी रहे, और चीनी मिल कम से 50 चीनी मिल हमारे यहाँ बंद पड़ा है, उसमें पूरे हो गया जंजर हो गया है, लेकिन अभी तक चालू भी नहीं हुआ है, उसमें चालू किया तो कम से कम 10,000 मजदूर उसमें काम करेगा, वो पड़ा है, सरकार बोलते हैं चालू करेंगे, वो तो पड़ा है। अगर शुगर मिल चालू हो गया बिहार में तो कम से कम 25-30 मिल बंद पड़ा है, अगर पूरी मिल को चालू किया तो किसान भी बढ़ेगा और मजदूर उसमें काम करेगा। यानी कि यही कह रहा लोग कि हाँ पेमेंट होगा, अब कब होगा ये मालूम नहीं पड़ रहा। तो जहाँ तक तो मेरा ख्याल ये है कि ये 2 महीने के चक्कर हटाया जाए कहीं भी, 1 महीना में जो है अपना ड्यूटी करने के बाद 10 तारीख के पेमेंट हो जाना चाहिए कहीं भी, पर वहाँ पर कोई भी कंपनी फैक्ट्री है ऐसे नहीं कर रहा, हर फैक्ट्री में भी यही देखा जा रहा है, कंपनी में भी यही देखा जा रहा है, और हर जगह जहाँ देखो हर काम में कॉन्ट्रैक्टर भर दिया, लेबर के जो मेहनत की पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को आधा मिल जा रहा है, लेबर के पैसा तो मिल ही नहीं रहा पूरा, जहाँ कंपनी हम लोग को 18,000 मान के चलो 20,000 दे रहा है डायरेक्ट कंपनी से, कॉन्ट्रैक्टर आ गया तो उसमें से 14,000 दे दिया, 6,000 उसके जेब में चले गए, उसके बाद से मान लो कि उनकी जो है कि टन के हिसाब से ठेके के हिसाब से काम कर रहे हैं, उनके पैसा तो आ ही रहा है, यानी कमीशन में भी चला जा रहा है, तो लेबर को क्या पैसा मिलेगा। तो ये महीना दिन का जो है कि 2 महीने का सिस्टम हटा के 1 महीने का रखा जाए तो सही रहता है, 10 तारीख को पेमेंट होना चाहिए कहीं भी हर कंपनी, तो ये सब तो हो ही नहीं रहा है। जब देखो बस ये लॉकडाउन है, वो डाउन है, ये डाउन है, उसमें गरीब आदमी मर रहा है। मेट्रो में मैं 2010 में आया था, फ्लॉट में एन जी रोड में फर्स्ट टाइम केस हो करी,
उसका बाद में आया था मैजिस्टिक में, मैजिस्टिक में काम किया, उधर 3 साल काम किया, और उतरा उसका बाद आया था मैसूर रोड राजा राजेश्वरी नगर, उधर काम किया 3 साल। उसका बाद फिर आया उधर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी ITD, उधर भी मेट्रो का ही काम किया, अभी फिर इधर आया सिंप्लेक्स में बना रहा था। सफर तो फिलहाल उधर बढ़िया ही था, पर इधर ही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। वैसे पानी टैंकर से लेके आके ऐसी ड्रेन जैसा नाला बना के रखा है, उसमें डाल देता है, उसी में से भी पानी उठाओ, टॉयलेट वाला पानी भी उसी से उठाओ, नहाने का पानी भी उसी से उठाओ। जैसे जब पानी है तो पानी के मान के जो पानी तो टंकी में संटेस में आया है, पानी जब चालू होता है तो संटेस में भर देता है, उसी वह पानी पीते हैं। और रही बात की जो बाथरूम का, तो बाथरूम में 6 बाथरूम है तो उसी में पारा पारी सब जाते हैं। और रही बात की राशन का, तो पहले से 6,000 पैसे दे रहा था, अभी भी पैसे दे रहा है, पैसे से 1,000 मिल रहा था या 500 मिलता है, तो उसी में आदमी बचाए खा रहा है, वो फिर भी चल रहा है। और रही बात कॉलोनी का, तो कॉलोनी ऐसा है कि जैसे ईटागर रूम है, वो घामा में तो धिप जाता है, धिपने के बाद आदमी को परेशानी बढ़ता है, तो ये बाहर निकलते हैं छाए में। देखो मैडम, इधर में जो रूम है उसमें 10-15 रूम है, एक एक रूम में 10-15 करके आदमी रहते हैं, रूम थोड़ा छोटा, दिक्कत हो रहा है सोने में। और रेशन पानी जो जैसे कि रेशन सब्जी वब्जी सब कुछ का दाम बढ़ गया है मार्केट में, अभी जिस आलू को हम लोग पहले 10-15-16 रुपये खरीदते थे, उसको 30-35 रुपये में खरीदना पड़ता है। और चावल जो 30-35 में खरीदते थे, वो 40-45 में खरीदना पड़ रहा है। और चाय वाय जो भी छोटा मोटा चाय का भी, चाय बिस्किट बिस्किट खाते थे, वो सब का भी 2-1 रुपया करके कीमत बढ़ा दिया है दुकान वालों ने। और कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि लेना है तो लो, नहीं तो दूसरा कस्टमर है, अभी क्या करेंगे, हम लोग को चलने के लिए लेना भी तो पड़ेगा, खाना भी तो पड़ेगा, इसके लिए तो सब कुछ महंगा हो गया। और दिक्कत, जिस दिक्कत के बारे में मैडम, अभी तो दिक्कत हो रहा है रेशन पानी का, दिक्कत हो रहा है क्योंकि अभी चावल वावल ख़त्म हो रहा है, चावल अभी तक ठीक से आया नहीं है, और हम लोग को खाने का भी दिक्कत हो रहा है, अभी काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिल रहा है, फिर खाने का पैसा खर्चा हो रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कुछ प्रॉफिट हम लोग को मिला नहीं है, तो फिलहाल तो हम लोग अपना नुकसान में चल रहे हैं। मैं क्योंकि 2 महीने से इधर आया, 2 महीने से अभी तक सैलरी भी आया नहीं है, सैलरी मिला नहीं है, अभी सैलरी मिलेगा उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। गांव का जाने के लिए भी ट्रेन भी नहीं चलता है, बाइक के लिए वो चलेगा, हम पेमेंट दे सकते हैं तो हम कैसे भी देख कर हम गांव चल जाएगा, उसमें ना। तो किसी चीज से डर है? डर है ना, घर से मरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहेगी मरेगा तो कोई देखेगा नहीं ना, तो गांव में देखे अभी 7 महीना हुआ तो कोई देखा नहीं है, गांव जाने का तो बीमारी की वजह है, उसका लिए सरकार बंदी कर दिया है, तो सरकार से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर बंदी करना ही था तो अगर 1 सप्ताह पहले क्यों नहीं बताया हम लोग का, अचानक बंद कर दिया तो घर में अगर बीवी बच्चा है उन लोग भी भूखा मर रहा है, हम लोग भी भूखा मर रहे हैं, इसका लिए सरकार क्या सोच रहा है इसके बारे में हम लोग भी तो उचित होना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को हम लोग पर सरकार तो सोच नहीं रहा है इस बात को। आखिर इतना दूर पैदल क्यों जा रहा है, गुजरात से बम्बई से पैदल जा रहा है, बीच में प्रशासन उन लोग का तकलीफ पहुँच रहा है, बंद कर रहा है घर में, घर में बीवी बच्चा भी मर रहा है, इसका बारे में सरकार नहीं सोच रहा है, तो इसलिए सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि कुछ दिन अगर पब्लिक को 1 सप्ताह के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो अपना अपना घर में शिफ्ट हो जाएंगे, उसका बाद में सरकार को जो भी करना है वो करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ सरकार से।
अगर बिहार रुपये के आदमी ना आए तो मेट्रो कैसे बनेगा? जितना अभूर काम जितना भी होता है, सब बिहार से, यूपी से, झारखंड से, सभी जगह से, दूसरे राज्य से आदमी आकर के बनाता है। यहाँ का आदमी एक भी आदमी काम नहीं करता है, जो इतना सेगमेंट बना है, इतना भी कारोबार चल रहा है, सरिया से लेकर के लोहा से लेकर के कंक्रीट तक, सब बिहार यूपी झारखंड के मजदूर आकर करता है। यहाँ का अगर नहीं आए तो भी काम नहीं होगा। इधर तो हम लोग काम नहीं है बिहार यूपी में, झारखंड में, चाहे यूपी में, तो हम लोग इधर आते हैं। अगर हम लोग नहीं आए तो मेट्रो बंद हो जाए, काम कौन करेगा? इतना गुड़ कोई काम नहीं करेगा।